A very good morning, class 5. Welcome back to your online classes. आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर पार्ट 5 दोहे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोहे किसे बोलते हैं। दोहे क्या होता है? दोहा लय में गाया जाने वाला चार चरणों की एक रचना होती है। दोहा एक रचना होती है जिसको हम लय में भी गा सकते हैं, जो छंद का ही एक अन्य रूप है। और दोहे क्या होते हैं? ये छंद का एक रूप होते हैं। दोहे में लय इतनी सार्थक होती है कि इसे एक राग के रूप में भी अलापा जा सकता है। और दोहे में क्या होता है, इसमें इतनी सार्थक लय होती है जिसके कारण हम इसको एक राग में भी अलाप सकते हैं। तो दोहा होता क्या है? दोहा एक छंद का पार्ट होता है जिसको लय में गाया जा सकता है। तो सबसे हम पहले देखते हैं पाठ परिचय। इस पाठ में दिए दोहे कबीर दास जी के हैं। तो दोहे हिंदी साहित्य में बहुत ही ऊंचा दर्जा रखते हैं। दोहों का जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा है हिंदी की भाषा में, जिसमें कबीर दास जी के दोहे प्रथम स्थान पर आते हैं। और सबसे ज़्यादा किसके दोहे फेमस हैं? सबसे ज़्यादा कबीर दास जी के दोहे फेमस हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीदास व अन्य बहुत से रचयिता ऐसे हैं जिन्होंने दोहा रचना की है। इसके अलावा तुलसीदास और काफ़ी ऐसे रचयिता हैं जिन्होंने दोहे की रचना की है, लेकिन जो सबसे ऊपर आते हैं वो कबीर दास जी के दोहे ही आते हैं। सो हमें इस पाठ में भी कबीर दास जी के दोहे दिए गए हैं। कबीर दास जी कौन थे? कबीर दास जी साधु का जीवन जीते थे। वो साधु का जीवन जीते थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली। प्रभावशाली व्यक्तित्व मतलब उनकी इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी कि उसके कारण ही उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली। वो पूरी दुनिया में अपनी व्यक्तित्व के कारण ही फेमस हुए। वे हमेशा कर्म में विश्वास करते थे और यही उपदेश दूसरों को भी देते थे। वो सिर्फ कर्म में विश्वास करते थे, मतलब वो सिर्फ काम करने में विश्वास करते थे, और वो दूसरों को भी यही सीख दिया करते थे, यही उपदेश दिया करते थे। तो इस पार्ट में हमें किसके दोहे दिए गए हैं? कबीर दास जी के दोहे दिए गए। आज हम इन दोहों की रीडिंग करेंगे और कल की क्लास में हम इनका अर्थ को समझेंगे, ठीक है? तो पहला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, ठीक है? दूसरा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोए, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। नंबर 3, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। नंबर 4, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। एंड लास्ट इज, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इस पाठ में हमें यहाँ कबीर दास जी के 5 दोहे दिए गए। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से इन दोहों को रीड करेंगे और इसका अर्थ को समझेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।